Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to convert fractional decimal number into a binary number. So let's start this video. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा. जो आसान मेथड था, जो सबसे आसान मेथड है, जो मिनटों में क्या सेकेंडों में आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो मैंने सिखाया है, उसे मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ. तो आइए उसको देख लेते हैं, फिर चलते हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन पे. जैसे सपोज कीजिए आपको 525 यानी 525 का बाइनरी कन्वर्जन करना है. इसको कर लीजिए यहाँ से क्लोज, और यहाँ मैं लिखता हूँ 10 क्योंकि बेस होता है डेसिमल का 10. इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2. अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो तरीका बताया था, सिंपलेस्ट मेथड जो बता रखा था मैंने आपको, मैंने बताया था यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4, डबल करते जाइए इसका, फिर 128, और 128 के बाद 256 यानी 256. ठीक है. अच्छा, अब जरा सोचने वाली बात यह है कि हम कैलकुलेशन इधर से शुरू करेंगे. यहां 256 दिख रहा है आपको, यहां से कैलकुलेशन शुरू करने वाले हैं. इसके आगे भी कोई नंबर हो सकता है क्या? इसके आगे एक नंबर और हो सकता है, 512. तो यहां हमने लिख लिया 512. ठीक है, यहां तक हमें लिखना है, नियरेस्ट तक आ जाइए आप. अब 512 से ज्यादा लिखूंगा तो 1024 हो जाएगा, जो कि 525 से ज्यादा है. तो यहां से शुरू करना है, और जहां जिस नंबर्स को आप जोड़ेंगे, उनको जोड़ने के बाद उनके नीचे आप लिखेंगे 1. क्या लिखेंगे? 1. तो सिंपली इसके नीचे हम 1 लिखने वाले हैं, तो आइए 1 लिखते हैं इसके नीचे. और उसके बाद जिन जिन नंबर्स को हम नहीं जोड़ेंगे उनके नीचे 0 लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो 512 के नीचे 1 लिखा हमने. ठीक है, इसको जोड़ना है. अब 512 में अगर 256 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसके नीचे लिख दीजिए 0. ठीक है, 128 जोड़ेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसके भी नीचे 0. 64 जोड़ेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसके भी नीचे लिख दीजिए 0. ये 64 है, मैं इसको इरेज करके सही से लिख देता हूं. ठीक है, अगर 32 जोड़ते हैं हम, 512 में 32 जोड़ते हैं तो भी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, अगर 512 में हम 16 ऐड करते हैं, 16 जोड़ते हैं, तो भी ज्यादा हो जाएगा. इसीलिए हम इसको भी नहीं लेंगे, इसके भी नीचे हम लिखेंगे 0. तो ये लिख दिया हमने 0. हाँ, 8 ऐड किया जा सकता है. ठीक है, तो 8 को हम करेंगे ऐड. 8 को ऐड करेंगे तो 520 हो जाएगा ये, तो 8 के नीचे हम लिखेंगे 1. ठीक है, 4 को ऐड करेंगे, 524 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1. और 2 को ऐड नहीं करेंगे, 0 लिखेंगे, और यहां 1 को ऐड करेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे 1. हमारा काम हो चुका है. अब आपको जैसे आपने किया है, ठीक है, इसी को मैं ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखाता हूं. अब आपका आंसर जो भी आएगा वो यहां पे आएगा. ठीक है, यहां नीचे 2 लग जाएगा, यही आंसर होगा. अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करें, ये देखिए, यहां पे लगाया हमने, ओके, इसको 2 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखते जाना है. 2 2 4 रिमाइंडर 1, 2 6 12 2 2 4 रिमाइंडर आया 1, यहां साइड में लिख दिया. 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 1 2 रिमाइंडर आ गया 0, 0 को साइड में लिख दिया हमने. यहां पे 0 हमने लिख दिया. ठीक है, अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12 और 1 रिमाइंडर है, 2 5 10 रिमाइंडर 1 आ जाएगा. 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 2 4
रिमाइंडर वन यहाँ साइड में लिख दिया, 16 टाइम ये जाएगा और रिमाइंडर आएगा वन, जो रिमाइंडर सॉरी ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो यहाँ लिख देंगे, लिख दिया हमने ज़ीरो। फिर टू से इसको डिवाइड करते हैं, 8 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद फिर टू से इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं। फिर टू से डिवाइड करेंगे इसको, 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आएगा ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो लिखेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा ज़ीरो, ठीक है। और जो ये 1 बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब इसी का ठीक उल्टा हमें चलना है, आइए देखते हैं जो हमारा वो वाला आंसर है। अब आंसर इसमें कैसे लिखना है, देखिए हमेशा हमें किधर से चलना है, इधर से चलना है, यानी दाहिने साइड से, ठीक है। सबसे दाहिने साइड में क्या लिखा हुआ है, सबसे दाहिने साइड में लिखा हुआ है 1, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे बात समझिएगा हमारी, ये 1 यहाँ पर हमने जो लिखा है इसको हमें दाहिने साइड में लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, बाएं साइड में लिख दिया हमने। तो यहाँ से काउंट करेंगे अब, तो ये 1 हो गया तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर क्या है 0 है तो यहाँ 0 लिखिए, फिर क्या है 0 है तो यहाँ 0 लिखिए, फिर क्या है 0 है तो 0 लिखिए, फिर क्या है 0 है तो 0 लिखिए, यानी 4 टाइम आपने 0 लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, 1 2 3 4, अब 5 टाइम 0 लिखेंगे, यानी 5वीं बार यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 1 1 0 और एट लास्ट 1, ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम निकालेंगे 1 1 2 3 4 5, 5 बार 0 लिखा हमने, उसके बाद क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1। अब कितना भी बड़ा नंबर हो आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो सबसे नियरेस्ट नंबर है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, वहाँ तक आपको जाना होगा जो सबसे नियरेस्ट नंबर है, ठीक है। तो आपको मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी दिखाया और ये सिंपलेस्ट मेथड भी दिखा दिया, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब हमें इसको वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में दिया हुआ है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो आइए उसको भी देखते हैं। इस पेज को मैं ऑन ही रखता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको, बिन नाम से सेव करता हूँ, और अब हम इस पर वही चीज करेंगे। तो ये बिन में आंसर हमारा कितना आया था, 1 5 टाइम 0 0 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1 2 3 4 5 टाइम 0 और यहाँ पे लिखेंगे 11 0 1, यही था, बंद करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, देखें यही तो था, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही यही था। अब इसको हम ओपन करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करें, अब देखिए हमेशा आप बाएं साइड से चलिएगा जब भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा बाइनरी से, तो यहां पर आइए इसको लेके, यहां लिखिए 1 into 2 to the power 0, 0 लिख दिया हमने, आंसर क्या आएगा, किसी भी नंबर पे 0 का पावर का मतलब होता है 1, तो यहां 1 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 into 2 to the power 1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 2 to the power 1 का मतलब 2 और उसमें 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाले पे,
वन इंटू, ये पावर बढ़ता जाएगा ठीक है, टू टू द पावर टू, तो ये हो जाएगा फोर ठीक है। इसके बाद फिर आएंगे यहां पे वन इंटू टू टू द पावर थ्री, तो ये हो जाएगा एट ठीक है। कैलकुलेट आप करना जानते होंगे, कम से कम इतना तो मैं उम्मीद करता ही हूं। फिर यहां पर आएंगे, अब ये जीरो है, ध्यान दीजिएगा ये जीरो है, तो जीरो इंटू टू टू द पावर, पावर बढ़ेगा तो फोर हो जाएगा पावर यहां पे। किसी भी पावर, पावर चाहे जो भी हो, जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, तो जीरो कर दिया हमने। अब फिर यहां पर आएंगे जीरो इंटू टू टू द पावर फाइव, नतीजा क्या होगा, जीरो ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, मैं यहीं पे निकाल देता हूं इसको ठीक है। जीरो इंटू टू टू द पावर सिक्स, आंसर आएगा जीरो ठीक है। फिर इसको निकालते हैं जीरो इंटू टू टू द पावर सेवन, आंसर आएगा जीरो। फिर आते हैं यहां पे जीरो इंटू टू टू द पावर एट, आंसर आएगा जीरो। अब यहां पे एट लास्ट वन है, तो वन इंटू टू टू द पावर नाइन ठीक है, आंसर कितना आएगा, क्योंकि नाइन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, तो यहां आएगा फाइव वन टू। अब इन सबको हमें ऐड करना है, कैसे ऐड करें, देखिए जो जो नंबर्स दिए हुए हैं ना उन सबको ऐड करिए आप लाइन से, लाइन से ऐड करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले फाइव वन टू को ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐड करना है हमें, देखिए सब जगह जीरो है तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पे एट ऐड करना है ठीक है, एट ऐड करना है, फोर ऐड करना है, वन ऐड करना है, तो आइए देखते हैं फाइव वन टू में एट ऐड करते हैं, फोर ऐड करते हैं और वन ऐड करते हैं ठीक है, यही तो ऐड करना है। तो फाइव टू फाइव, आंसर हमारा क्या आ रहा है, फाइव टू फाइव ठीक है, आंसर ऐसे लिखेंगे, ये नीचे टेन बेस लगाएंगे ठीक है, क्योंकि हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ठीक है, उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब अंत में फ्रैक्शनल की भी बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 0.55 एक नंबर है ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ 0.55, ये पॉइंट लगा हुआ है और ये है आपका डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तरीका बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं तरीका, यहाँ पे लिखिए 0.55, चूँकि यही हमारा नंबर है तो इसको हम ले लेते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये पॉइंट में है, तो इंटू टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ठीक है, आप जब होल नंबर था तो डिवाइड करते थे, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आएगा 1.10 ठीक है। अब दशमलव के जो बाएं साइड का जो नंबर है उसको आप ले लीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए और दशमलव के दाहिने साइड का नंबर आप ले लीजिए, तो यहाँ मैं लेता हूँ 0.10 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा 0. ये ज़ीरो लगाना ज़रूरी है, इसको ज़रूर लगाइएगा 20 ठीक है। अब फिर से इधर वाला अंक ले लीजिए आप 0.20, फिर इंटू टू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए टू से, जैसे ही टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ आ जाएगा 0.40 यानी 0.40, ये ज़ीरो लगाना बहुत ही ज़रूरी है तो इसको ज़रूर लगाइएगा 0.40।
अब इसको फिर वापस से 0.40 आप ले लीजिए, यहाँ मैं लिखता हूँ 0.40, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ आ जाएगा 0.80, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ 0.80, ठीक है, ये हमारा काम हो गया, हमारा आंसर आ चुका है 1, ठीक है, 0.00, ये हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ आप पॉइंट लगा दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। और उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से ये कन्वर्ट हो रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।